Now next topic is completely about functions in C language. Previous cases में discuss किया था only about loops. Generally loops are reusable statements. Same as functions is also some kind of reusable statement. Then how to functions are differs from loops. We are discussing one by one all things about functions and definitions of functions or basics of functions. फंक्शंस को जस्ट स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करना चाहूँगा व्हाट इज द यूज ऑफ फंक्शंस और व्हाई वी शुड यूज फंक्शंस और व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग फंक्शंस. सपोज दैट अगर आप कोई भी प्रोग्राम फंक्शंस के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं, सेम प्रोग्राम विदाउट फंक्शंस भी क्रिएट करना पॉसिबल. फंक्शंस आर नॉट अ नेसेसरी थिंग्स, इट इज ऑप्शनल. लेकिन अगर फंक्शंस का यूज करके आप कोई भी प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, ये सारे केस डिस्कस करेंगे by taking some problems. Means problem के help से मैं आपको सारे points explain करूँगा. Means इस केस में functions के definitions पढ़ के सारे definitions practically explain करूँगा after discussing some examples. We are writing some code for sake of functions. Means अभी इसको concentrate करने के लिए suppose that सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ व्हाट इज द पर्पज ऑफ फंक्शंस. मीन्स फंक्शंस को यूज करने का पर्पज क्या. जस्ट मैंने अभी आपको बोला था विदाउट फंक्शंस और विदाउट क्रिएटिंग फंक्शंस और विदाउट यूजिंग फंक्शंस भी प्रोग्राम सेम प्रोग्राम बनाना पॉसिबल है. देन सेम प्रोग्राम अगर आप फंक्शंस का यूज करके डेवलप करो देन आपको इसका एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या मिलेगा. लेट सी, सपोज दैट सम प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल टाइम्स सेम ऑपरेशंस रिक्वायर्ड है. सपोज दैट मेन फंक्शंस के अंदर अगर मुझे किसी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट कराना है, वी वांट टू कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल. सपोज दैट अगर फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए टोटल 10 स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 अप टू 10 स्टेटमेंट. इसमें 10 स्टेटमेंट्स का मेन पर्पस क्या है, कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर. अगर स्टार्टिंग में मुझे प्रोग्राम के बिगिनिंग में अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, यू वांट टू कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल ऑफ 5. यानी 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए टोटल स्टेटमेंट्स कितने राइट डाउन करें, 10 स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट वन, जो भी इसका रिजल्ट आए इस रिजल्ट को यूज करेंगे सम प्लेस. रिजल्ट से यूज करने के बाद जस्ट आफ्टर सम प्लेस अगेन सपोज दैट फिर से मुझे किसी डिफरेंट नंबर का अगेन फैक्टोरियल रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट टाइम मुझे फैक्टोरियल रिक्वायर्ड समथिंग 7, तो 7 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करें या 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करो या फिर 6 का. किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लॉजिक्स ऑलवेज कैसे होंगे, ऑलवेज सेम. मीन्स अगर आप 2+5 को ऐड करो या 2+10 को ऐड करो या 10+20 को ऐड करो, एडिशन के लॉजिक्स ऑलवेज कैसे होंगे, ऑलवेज सेम. सेम एज फैक्टोरियल किसी भी नंबर का कैलकुलेट करें, लेकिन फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने का लॉजिक कैसा हुआ, ऑलवेज सेम. देन अगेन अगर मुझे 7 का फैक्टोरियल रिक्वायर्ड, फैक्टोरियल के रिस्पेक्ट में अगेन रिपीट किया हुआ सेम कोड और सेम 10 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 अप टू स्टेटमेंट 10. बट सपोज दैट इन 10 स्टेटमेंट्स के थ्रू कैलकुलेट किया हुआ फैक्टोरियल ऑफ 7 लाइक दैट. सेम एज अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर मीन्स 5 डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना, मीन्स 5 टाइम्स फैक्टोरियल कितनी बार कैलकुलेट करना है, 5 टाइम्स डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स. डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आर समथिंग 2, 5, 7, 3, 4 लाइक दैट. वी वांट टू कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर्स बट 1 by 1, नॉट अ कंटिन्यूस मैनर्स. किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए अगर 10 स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो 5 टाइम फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए टोटल स्टेटमेंट्स कितने, वन नंबर किसी सिंगल नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए टोटल स्टेटमेंट्स कितने रिक्वायर्ड हैं, 10 स्टेटमेंट्स. लेकिन 5 डिफरेंट डिफरेंट नंबर का फैक्टोरियल अगर कैलकुलेट करो, 5 डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स, तो सेम ऑपरेशंस कितनी बार रिपीट होंगे, 5 टाइम्स. इन 5 टाइम्स टोटल स्टेटमेंट कितने रिपीट हो रहे हैं इस केस में, 50 स्टेटमेंट्स. तो इस केस में इस टाइप का प्रोग्रामिंग करने का डिसएडवांटेज क्या है, मीन्स सेम कोड कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स. अगर 5 टाइम्स रिपीट करो देन ऑटोमेटिकली कोड का लेंथ भी इंक्रीज होने के चांसेस होंगे, देयर मे बी चांस ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ दिस प्रोग्राम. नेक्स्ट वन, मीन्स अगर आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर फैक्टोरियल कैलकुलेट करो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के लिए, लॉजिक सेम है लेकिन फिर भी कोड का लेंथ इंक्रीज हो रहा है, प्लस सेम कोड मल्टीपल टाइम्स रिपीट होने के चांसेस हैं. इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, रिपीटेशंस को अवॉइड करने के लिए आप अप्लाई क्या करोगे,
कोड रियूजेबिलिटी लॉजिक्स, एक कोड रियूजेबिलिटी लॉजिक्स फंक्शंस का यूज करके अप्लाई करना पॉसिबल है. लेट्स सी सम एग्जांपल्स रिगार्डिंग दिस वन. सपोज दैट अगर किसी नंबर्स के लिए मुझे कॉम्बिनेशंस कैलकुलेट करना, वी वांट टू कैलकुलेटिंग कॉम्बिनेशंस और समथिंग परम्यूटेशंस. अगर किसी भी नंबर का कॉम्बिनेशन कैलकुलेट कराना है, कॉम्बिनेशंस को कैलकुलेट करने का जनरल डेफिनेशन क्या है, एन सी आर. फॉर्मूला क्या रहता है इसका, फैक्टोरियल ऑफ एन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ आर मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर. सपोज दैट एन वैल्यू क्या है 5, आर वैल्यू क्या है 3. तो इस केस में फॉर्मूला क्या रहेगा, फैक्टोरियल ऑफ 5 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ आर, आर क्या है 3, मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर, 5 माइनस 3 इज 2. लाइक दैट. तो इस केस में अगर कैलकुलेट करेंगे इसे 3 डिफरेंट फैमिली से, फैक्टोरियल ओवरऑल फैक्टोरियल कितनी बार रिकॉर्ड है इस केस में 3 टाइम्स. सेम नंबर और डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स. अगर फैक्टोरियल के लॉजिक्स बार बार सेपरेटली राइट डाउन करें देन ये लॉजिक्स कितनी बार रिपीट होंगे कॉम्बिनेशंस कैलकुलेट करने के लिए 3 टाइम्स. सेम अप्रोच को परफॉर्म करेंगे, मैंने कोड राइट डाउन किया विदाउट यूजिंग फंक्शंस. सपोज दैट फर्स्ट वन रीडिंग इनपुट्स फ्रॉम अ कीबोर्ड, इनपुट किसके लिए रीड करना है एन और आर के लिए. स्कैन ऐप का यूज करके कीबोर्ड से डेटा रीड किया, देन सबसे पहले फैक्टोरियल किसका कैलकुलेट हुआ एन का. तो इस केस में बिगिनिंग मीन्स इस पर्टिकुलर लॉजिक्स के थ्रू कैलकुलेट किया फैक्टोरियल ऑफ एन मीन्स दैट कोड. इस कोड से परफॉर्म किया और ओनली कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल ऑफ एन प्लस एन का फैक्टोरियल असाइन किस वैल्यू में हुआ, इन साइड वेरिएबल आर वन मीन्स इन साइड आर वन. फैक्टोरियल मीन्स एन का फैक्टोरियल किस प्लेस पर है आर वन, देन फैक्टोरियल ऑफ एन के प्लेस पर रिप्लेस क्या कर सकते हैं सिंपली आर वन. क्या इसका रिजल्ट किस में आर वन. नेक्स्ट टाइम अब फैक्टोरियल किसका रिक्वायर्ड है आर का. नेक्स्ट लॉजिक से कैलकुलेट क्या रहा फैक्टोरियल ऑफ आर. फैक्टोरियल ऑफ आर का रिजल्ट किस में आसान हुआ है आर टू में. इस प्लेस पर राइट डाउन क्या करें आर टू. सेम है नेक्स्ट केस में अगेन कैलकुलेट क्या हो रहा है फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर. फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर प्लस इसका रिजल्ट किस में आसान किया समथिंग आर थ्री. फाइनल रिजल्ट आसान करा लेंगे सेपरेट वेरिएबल आर फोर लाइक दैट. इस केस में कॉन्सेंट्रेट करना है, इस केस में मेरा इंटेंशन ये नहीं कि आपको फैक्टोरियल एक्सप्लेन करना है, एनपीआर एक्सप्लेन करना है, एनसीआर. इस केस में सेम कोड मीन्स फर्स्ट टाइम एन का फैक्टोरियल कैलकुलेट हुआ इसलिए आई को इनिशलाइज किससे किया एन से. सेकेंड टाइम आर का फैक्टोरियल रिक्वायर्ड इसलिए आई का इनिशियलाइजेशन किस हो रहा है आर से. नेक्स्ट टाइम एन माइनस आर का फैक्टोरियल रिक्वायर्ड इसलिए आई का इनिशियलाइजेशन किस हो रहा है एन माइनस आर से. रिमेनिंग थिंग्स और रिमेनिंग लॉजिक्स एग्जैक्टली कैसे सेम, इस सेम लॉजिक्स फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए कितनी बार रिपीट होने के चांसेस हैं 3 टाइम्स. देन फाइनली डिस्प्ले कैलकुलेट किया है कॉम्बिनेशन, देन डिस्प्ले रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन. तो इस केस में मीन सेम कोड मल्टीपल टाइम्स रिपीट होने के चांसेस विदाउट यूजिंग फंक्शंस. सेम प्रॉब्लम अगर फंक्शंस के थ्रू क्रिएट करो मीन्स लेट्स सी अगर आपके पास एक पर्टिकुलर कोड है, इस कोड को डायरेक्टली राइट न करके किसी ब्लॉक्स के फॉर्म में राइट करो. इस ब्लॉक को मैंने नेम असाइन किया समथिंग नेम एज फैक्ट ब्लॉक नेम. जब भी आपके लॉजिक रिकॉर्ड है देन मल्टीपल टाइम्स फंक्शन नेम फैक्टोरियल आपके लिए एवरी टाइम रीयूज करना पॉसिबल है. देन सेम प्रोग्राम क्रिएट किया बाई यूजिंग फंक्शंस. एग्जाम्पल अप्रोच टू यूजिंग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग. अगेन चेक दिस मीन्स सबसे पहले मैंने सेपरेटली एक फंक्शन क्रिएट किया, इस फंक्शन को नेम दिया है फैक्टोरियल. फंक्शन इज नथिंग बट सम ब्लॉक ओपनिंग और क्लोजिंग. ब्लॉक के अंदर टोटल स्टेटमेंट्स कितने समथिंग 4 स्टेटमेंट. स्टेटमेंट्स के थ्रू कैलकुलेट हो रहा है फैक्टोरियल ऑफ गिवेन नंबर मीन्स रियल में फंक्शंस को क्रिएट कैसे करते हैं सारे रूल बाद में डिस्कस करूंगा. मेरा इंटरेस्ट नहीं है ये नहीं कि फंक्शंस को क्रिएट करने का वे क्या हो. मीन्स फाइनली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, सिंपली एक फंक्शन क्रिएट किया फैक्ट, इसमें फैक्टोरियल की लॉजिक्स पुट किए. देन अगेन इस केस में प्रोग्राम्स के अंदर अगेन फैक्टोरियल किसका रिक्वायर्ड था फैक्टोरियल ऑफ एन फैक्टोरियल ऑफ आर फैक्टोरियल ऑफ एन आर. एन का फैक्टोरियल स्टोर करने के लिए सेपरेट वैल्यू समथिंग एफ एन. आर का फैक्टोरियल स्टोर करने के लिए वैल्यू है समथिंग एफ आर. एन माइनस आर का फैक्टोरियल स्टोर करने के लिए सेपरेट वैल्यू है एफ एन आर लाइक दैट. देन सबसे पहले रीड डाउन क्या किया स्कैन ऐप से एन और आर के लिए वैल्यू यूजिंग स्कैन ऐप. देन जब एन का फैक्टोरियल रिक्वायर्ड इस केस में फैक्टोरियल के लॉजिक रिपीट न करके सिंपली
ऑलरेडी रेडीमेड फंक्शन यूज किया फैक्ट सप्लाइड बाई एन, इस केस में फैक्टोरियल किसका कैलकुलेट हुआ एन का। सेकेंड केस में फैक्टोरियल किसका कैलकुलेट हुआ समथिंग आर, थर्ड टाइम एन माइनस आर। इस केस में कोड को रिपीट न करके रीयूज किया विद द हेल्प ऑफ फंक्शन नेम फैक्ट। इस पहले ऑलरेडी एनालाइज किया कोड थ्री टाइम्स रिपीट होने के चांसेस थे, इसलिए थ्री टाइम रिपीट न करके ब्लॉक क्रिएट किया। इस ब्लॉक में फैक्टोरियल के लॉजिक्स पुट किए, देन इस ब्लॉक को नेम असाइन किया फैक्ट। फैक्ट क्या है इसमें, नेम ऑफ द ब्लॉक्स। जब भी इस ब्लॉक का एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड होगा तो एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड प्लेस पर सिंपली ब्लॉक का नेम यूज किया, यानी स्टेटमेंट्स को एक्सेस करने का वे क्या है, इंटरफेस क्या आपके पास फंक्शन नेम है फैक्ट। तो फंक्शंस को यूज करने का जनरली वे क्या है, जस्ट रीयूजिंग द कोड। इसके इसमें लॉजिक्स अगर आप कॉन्सनट्रेट करोगे तो फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए लॉजिक्स प्रीवियस अप्रोच में कितनी बार रिपीट हुए थे, थ्री टाइम, थ्री डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। लेकिन इसके इसमें थ्री टाइम्स रिपीट हुए, ओनली वन टाइम राइट डाउन किया, देन थ्री टाइम्स इनको रीयूज किया। फंक्शन का जनरल डेफिनेशन क्या है, लेट्स सी, फंक्शंस आर नेम्ड ब्लॉक्स। फर्स्ट वन, फंक्शंस आर नेम्ड ब्लॉक्स। इसके इसमें नेम क्या आसान हुआ है फैक्ट, मीन्स ब्लॉक मीन्स ओपनिंग क्लोजिंग। नेम क्या असाइन किया है फैक्ट। नेम असाइन करने का मेन पर्पज क्या करें, इसे इंटरफेस को या ब्लॉक को कोई नेम असाइन नहीं करो, देन इसको एक्सेस करना पॉसिबल, मीन्स किसी भी ब्लॉक को एक्सेस करने का ओनली वे क्या हो, यूजिंग दिस नेम। इस नेम को आप कंसिडर करोगे एज अ फंक्शन नेम्स। फर्स्ट वन सेम रीड दिस पॉइंट रिलेटेड टू फंक्शंस। फर्स्ट डेफिनेशन, अ फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेंट ब्लॉक्स विच कंटेन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अ फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेंट ब्लॉक्स, मीन्स ए ब्लॉक, इस ब्लॉक में मीन्स इस फंक्शंस के सेल्फ लॉजिक्स अवेलेबल, देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज सेल्फ कंटेंट ब्लॉक्स बिकॉज इट्स हैविंग इट्स ओन लॉजिक्स और ओन स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। नेक्स्ट वन, इन ब्लॉक्स को कंसिडर करें एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कैलकुलेट क्या हो रहा है फैक्टोरियल ऑफ given number, any numbers like that. Next definitions, a function is a small program within a program, means this complete things is considered as programs. लेकिन function अपने आप में complete program है, not a complete program, it is a part of programs, therefore it is considered a function is a program or a small program within a another program, means this one is a small program as fact, this one is a small program as a main. This complete thing is considered as main programs or simply program. Functions kya, function is a small programs. Next, a function is a small program within a program. Next one, a function is a modules. Is simple things ko name like module 1, module 2 like that. Module means a small task which is responsible for to perform same operations or different operations by using different functions. Next one, a function is a named block. Here function name is considered as name of the function or block, name of the block. A function is a reusable code or components. रीयूजेबल कोड कंपोनेंट्स क्यों क्यों, इस केस में अगर आपने एक बार कोई कोड राइट डाउन कर लिया इसको मल्टीपल टाइम रिपीट किया था, रीयूज किया था, सिंपली रीयूज किया, दिस इज द पर्पज ऑफ डिफाइनिंग फंक्शंस। जस्ट नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएटिंग फंक्शन, बिफोर डिस्कसिंग अबाउट फंक्शंस नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ फंक्शंस लाइक मॉड्यूलरिटी, रीयूजेबिलिटी, इफिशियंसी लाइक दैट। देन आफ्टर दैट फाइनली डिस्कस करेंगे व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग फंक्शंस, फंक्शंस के केस में टाइप्स डिस्कस करेंगे, देन प्रोसेस ऑफ द क्रिएटिंग फंक्शंस।